नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 12 मार्च 2018। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज संवेदना एक्सरसाइज के बारे में है। संवेदना एक्सरसाइज मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। संवेदना का मतलब होता है एम्पथी। ये फर्स्ट कंपोजिट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है साउथ एशियन रीजन में। देखो, इस एक्सरसाइज में जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, म्यांमार, इन सब देशों की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी संवेदना एक्सरसाइज में। और बेस्ट डिजास्टर रिलीफ प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा। जैसे यूएई बताएगा कि कोई डिजास्टर से निपटना हो तो हमारी एयरफोर्स का क्या प्रोटोकॉल, क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से डिफरेंट कंट्रीज की जो एयरफोर्सेज हैं वो बताते हैं कि हम किस प्रकार से रिलीफ ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं। तो इस मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज से विभिन्न देशों की एयरफोर्सेज को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। तो याद रखिएगा, संवेदना एक्सरसाइज के बारे में, ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज किया जा सके। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल क्राइम फ्री जोन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे 8.3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसे क्राइम फ्री जोन घोषित किया गया है। सबसे पहले तो यूपीएससी यूं ही पूछ सकती है कि आप ये बताइए कौन से देश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है जहां पे क्राइम फ्री जोन घोषित किया गया है। चार ऑप्शंस हो सकते हैं, चाइना हो सकता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कुछ भी हो सकता है। तो बांग्लादेश इसका आंसर होगा। देखो, क्राइम फ्री जोन घोषित होने का मतलब क्या है? दोनों देशों की सिक्योरिटी फोर्सेज, जैसे हमारी तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, दोनों देशों की सिक्योरिटी फोर्सेज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर और वेरियस एनजीओस के साथ मिलकर 8.3 किलोमीटर के इस स्ट्रेच पर क्राइम्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यानी ये इंश्योर करेंगे कोई भी क्राइम ना हो इस 8.3 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे काफी तरह के क्राइम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है। 5 से 6 महीनों के बाद इस पायलट प्रोजेक्ट का रिव्यू होगा और अच्छे रिजल्ट अगर सामने आते हैं, क्राइम फ्री जोन जो घोषित किए गए हैं वास्तव में वहां पे क्राइम को मिटाया जाता है, तो इस प्रकार का जो कंसेप्ट है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे दूसरी जगहों पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इवन दूसरे देशों के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वहां पर भी क्राइम फ्री जोन इस्टाब्लिश किए जा सकते हैं। तो देखो, यूपीएससी यूं भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में हमारे देश में कौन कौन से राज्यों की सीमा मिलती है बांग्लादेश से। तो 5 राज्यों की सीमा मिलती है बांग्लादेश से। आप बताइए कौन कौन से वो राज्य हैं। मैप में देखिए, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देखिए, मैप में देखने से याद हो जाएगा। इस प्रकार से चीजें रट्टा मारने से याद नहीं होती, लेकिन मैप दिमाग में छप जाता है तो आसानी से आप कभी भी गलत नहीं करोगे। यहाँ पे देखिए, वेस्ट बंगाल सबसे पहले, उसके बाद असम, असम की यहाँ ऊपर भी मिलती है और नीचे भी सीमा मिलती है बांग्लादेश से। यहाँ पे मेघालय और त्रिपुरा, तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इलेक्शन अभी कंडक्ट हुए थे त्रिपुरा में। और यहाँ पे नीचे मिजोरम से भी मिलती है। तो 5 राज्यों से बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश का। टोटल लेंथ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की है 4156, 4156। यूपीएससी यूं भी पूछ सकती है कि हमारे देश में कौन से राज्य की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ वो सबसे ज्यादा लेंथी है। तो देखो, मैप से देखने से ही पता लग जाता है कि वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से सबसे लंबा है। उसके बाद त्रिपुरा, यहां पे देखिए, उसके बाद मिजोरम। बिल्कुल आंकड़ों के आधार पर बात करनी है तो यहां पे आंकड़े देख लीजिए। वेस्ट बंगाल के साथ जो बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, उसकी लेंथ है 2217 किलोमीटर से। और त्रिपुरा के साथ जो बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश का, उसकी लेंथ है 856 किलोमीटर से। और उसके बाद मेघालय, जिसकी लेंथ है 443 किलोमीटर से, 443। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस प्रकार से भी यूपीएससी कई बार पूछ लेती है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल दीव के बारे में है। दीव हमारे देश की पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी है, इवन ओनली यूनियन टेरिटरी है, जो 100% सोलर एनर्जी एफिशिएंट बन गई है। आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए, 100% सोलर एनर्जी एफिशिएंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है दीव की, वो फुलफिल की जाएगी सोलर पावर की सहायता से। दूसरे जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के सोर्सेज हैं, जैसे कोल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उनको इस्टाब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है दीव में सोलर पावर, जो कि दीव की कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को फुलफिल कर सकती है। वैसे देखो, दीव का जो एरिया है बहुत ज़्यादा कम है, 42 किलोमीटर स्क्वायर,
लेकिन 42 किलोमीटर स्क्वायर में से 50 एकड़ पर तो सोलर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा सोलर पावर पैदा की जा रही है दीव में, और इसकी सहायता से सारी की सारी जो कंजम्पशन है दीव की वो सोलर पावर की सहायता से पूरी हो रही है और 100% सोलर एनर्जी एफिशिएंट बन गया है दीव। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एशियाटिक लायन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, अच्छी बात है। देखो, पहले तो एशियाटिक लायन पूरे साउथ वेस्ट एशियन रीजन में मिलता था, लेकिन पोचिंग और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण अब सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, यानी अब सिर्फ मिलता है एशियाटिक लायन गिर सेंचुरी में। और सरकार ने 5 प्रोटेक्टेड एरियाज भी इस्टेब्लिश किए हैं ताकि एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, जैसे गिर सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क, पनिया सेंचुरी, मिटियाला, गिरनार, ये प्रोटेक्टेड एरियाज सरकार ने इस्टेब्लिश किए हैं एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है एशियाटिक लायन, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 में आता है साइट्स, जो कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ताकि उनके सर्वाइवल को इंश्योर किया जा सके। साइट्स कन्वेंशन के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में आता है एशियाटिक लायन। और देखो, कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का ये कहना है अभी एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है गिर सेंचुरी में, लेकिन कुछ एशियाटिक लायंस को रिलोकेट करना चाहिए दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज में, क्योंकि देखो अगर गिर सेंचुरी में भगवान ना करे कोई डिजास्टर या फिर कैलमिटी आ जाती है तो पूरी एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है विभिन्न प्रोटेक्टेड एरियाज में तो कुछ एशियाटिक लायन तो बच जाएंगे, यानी हमेशा खतरा है, एक ही जगह कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी तो उसको खतरा रहेगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड हो विभिन्न प्रोटेक्टेड एरियाज में तो ज्यादा अच्छा है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, एक इनिशिएटिव लिया गया है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोग्राम के अंतर्गत देश के नागरिकों को जानकारी दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कौन सा फूड सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड है ताकि वो अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकें। और इसके लिए अलग से एक वेबसाइट, एक पोर्टल भी इस्टेब्लिश किया गया है, और इस वेबसाइट पे सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में तमाम तरह की जानकारी उपलब्ध रहेगी। डाउनलोड कोर्स कर सकते हैं देश के नागरिक और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में। और इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिफरेंट कलर्स में बुकलेट्स भी रिलीज की गई हैं, जैसे स्कूल्स में सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में जानकारी देने के लिए येलो कलर में बुकलेट्स रिलीज की गई हैं, वर्क प्लेसेस पर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में जानकारी देने के लिए ऑरेंज कलर में बुकलेट्स रिलीज की गई हैं, होम्स यानी घरों में सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए पिंक कलर में बुकलेट्स रिलीज की गई हैं, और सबसे लास्ट में ईट आउट्स यानी रेस्टोरेंट्स में सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये कौन सा कलर है, ब्लू तो नहीं है, तो इस कलर में बुकलेट्स रिलीज की गई हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इस बॉडी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नाम से लग सकता है कि ये बॉडी फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, लेकिन नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत इस्टाब्लिश की गई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना, फूड सेफ्टी को रेगुलेट करके और सुपरवाइज करके, ये ऑब्जेक्टिव है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का। चलते हैं आगे। आगे हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की कुछ बॉडीज डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा प्लान तो ये था कि इन बॉडीज को हम अलग से वीडियोज में डिस्कस करें ताकि रिवाइज आसानी से हो सके लास्ट में, जो कि एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा था क्योंकि अलग से वीडियोस बनाने में एक तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए कि टाइम नहीं है हमारे पास, हमको लास्ट में रिवाइज करना है, इसलिए प्रीलिम बूस्टर की वीडियोस में ही आप बॉडीज को ऐड कर दीजिए। तो एक चीज़ देखो ये हो सकता है कि हम प्रीलिम बूस्टर की वीडियोस में ही इन बॉडीज को डाल दें, लेकिन PDF मैं आपको इस प्रकार से प्रोवाइड कर सकूं कि एक मिनिस्ट्री की बॉडीज सारी की सारी एक ही PDF में, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। मेरे हिसाब से देखो, चाहे बेशक ये एफिशिएंट या फिर इफेक्टिव तरीका ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल है, कम से कम हम कंप्लीट तो कर पाएंगे, दूसरे तरीके से चीज़ें रह जाएंगी, लेकिन टारगेट तो यही है ना, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अपना जो पुराना तरीका है डेली प्रीलिम बूस्टर की वीडियोस में कुछ बॉडीज को डिस्कस करना, उसी तरीके पे हम लौटते हैं ताकि कोई चीज छूट ना जाए। तो देखो, आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में हम बात करें
इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव है आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना, प्रिजर्व करना। ये लिस्ट देख लीजिए एक बार, ये बॉडीज आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ललित कला एकेडमी, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT जिसकी बुक आप पढ़ते हो। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, नीचे ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखो सारी की सारी बॉडीज या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए कि ये बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। सब कुछ कवर करके फायदा नहीं है, मैं आपको 80-20 का रूल बताता हूँ। आपने सुना होगा 80-20 के रूल के बारे में। देखो कोई भी काम आप करते हो, 20% एफर्ट्स लगाने से उस काम में आपको 80% प्रोडक्टिविटी हासिल होती है। सिंपल से सिंपल कोई भी काम मान लीजिए, आपके देखो मान लीजिए 100 दोस्त हैं, लेकिन 100 में से 20 दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ रियल में टाइम बिताना आपको अच्छा लगता होगा, यानी 80% जो हैप्पीनेस आपको मिलती होगी वो 20% दोस्तों से मिलती होगी। आप किसानों की बात कर लीजिए, किसान अपनी फसलें उगाता है, किसान जो 20% एफर्ट्स लगाता है टोटल एफर्ट्स में से, उन 20 एफर्ट्स में से किसान को 80% प्रोडक्टिविटी हासिल होती है। और सेम रूल हम पर भी एप्लीकेबल होता है, हम पढ़ाई करते वक्त 20% हमारे जो टोटल एफर्ट्स में से 20% जो एफर्ट्स हैं वो 80% मार्क्स हमें लाकर देते हैं। कहने का एसेंस आप समझ गए होंगे, यानी अगर हम 20% सिलेबस पर फोकस करें तो उस 20% सिलेबस से हम 80% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कई बार देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर UPSC ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कुछ टेढ़ा, मान लीजिए कुछ नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया, देखो अच्छी बात है नेशनल पार्क को कवर करना, लेकिन सारे के सारे 115 नेशनल पार्क के बारे में हर एक चीज याद रखना या फिर 600 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हर एक चीज याद रखना वो मुमकिन नहीं है। आपको फायदा तो होगा, हो सकता है कि दो क्वेश्चन UPSC पूछे, दो के दो क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट कितना होगा? इतने टाइम को तो आप इन्वेस्ट कर सकते थे करंट अफेयर्स को स्टडी करने में या फिर पॉलिटी को स्टडी करने में। देखो UPSC करंट अफेयर्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछती है वो इस प्रकार से पूछती है, या तो आपको आता है या नहीं आता है। अगर आप पढ़ के गए हो तो ज्यादातर 80-90% जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं आप ठीक कर दोगे, और पॉलिटी में अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपके क्वेश्चंस को ठीक करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछती ही पूछती है पॉलिटी से, और सिंपल क्वेश्चंस पूछती है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब आपको 20% सिलेबस ऐसा रिकॉग्नाइज करना होगा जहां से आपकी प्रोडक्टिविटी 80% आ सके, यानी जहां से 80% क्वेश्चंस आ सके। अगर ये 20% सिलेबस, अगर ये 20% एफर्ट्स आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप प्रीलिम में कर सकते हो। तो बॉडीज हम डिस्कस कर रहे थे, ये कुछ स्कीम्स भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, जैसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्कीम फॉर कल्चरल हेरिटेज यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, डिस्कस करेंगे ये सब हम। अभी फिलहाल सबसे पहली जो बॉडी हम डिस्कस कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वो है ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी को इस्टेब्लिश किया गया था 1954 यानी 1954 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, रीजनल सेंटर्स भुवनेश्वर, चेन्नई, कई जगह पे हैं, कोलकाता, लखनऊ, शिमला। देखो काम ये है ललित कला एकेडमी का, ललित कला यानी फाइन आर्ट्स को प्रमोट करना। फाइन आर्ट्स जैसे पेंटिंग, स्कल्चर, ग्राफिक्स, ये सब चीजें आती हैं ललित कला में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस बॉडी है, नोडल एजेंसी है फाइन आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि देश के बाहर भी। फंक्शंस देख लीजिए एक बार ललित कला एकेडमी के। ललित कला के क्षेत्र में यानी फाइन आर्ट्स जैसे पेंटिंग, स्कल्चर, ग्राफिक्स के क्षेत्र में स्टडी और रिसर्च को प्रमोट करना, विभिन्न रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, जैसे विभिन्न स्टेट्स में अपनी अपनी जो उनकी ललित कला एकेडमी है उनकी एक्टिविटीज के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, ललित कला के क्षेत्र में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना, स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप, फेलोशिप, असिस्टेंस स्कीम्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, डॉक्यूमेंट्री मटेरियल, इन सबको पब्लिश करना ललित कला के क्षेत्र में। 3 साल में एक बार इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करती है ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली में, 3 साल में एक बार होता है ललित कला के क्षेत्र में। और इसके अलावा नेशनल एग्जीबिशन ऑफ फोटोग्राफी एंड आर्ट, इसको भी ऑर्गेनाइज करती है ललित कला अकेडमी। UPSC पूछ सकती है कि नेशनल एग्जीबिशन ऑफ फोटोग्राफी एंड आर्ट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी या फिर नाटक संगीत अकेडमी, इस प्रकार से 3-4 ऑप्शंस आ सकते हैं। और सबसे लास्ट में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स डिफरेंट कंट्रीज के साथ ऑर्गेनाइज करती है ललित कला अकेडमी। अगली बॉडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को शुरुआत में इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में संगीत नाटक अकेडमी के एक प्रीमियर थिएटर इंस्टीट्यूट के तौर पर,
लेकिन 1975 में यानी 16 साल बाद इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया सिनेमा का यानी थिएटर का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। शुरुआत में तो देखो संगीत नाटक एकेडमी के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1975 में एक इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया। ट्रेनिंग दी जाती है थिएटर में इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन रीजनल रिसोर्स सेंटर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने संवेदना मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्राइम फ्री जोन के बारे में डिस्कस किया, दीयू के बारे में हमने डिस्कस किया, पहली यूनियन टेरिटरी और ओनली यूनियन टेरिटरी जो 100% सोलर एनर्जी एफिशिएंट बन गई है, एशियाटिक लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने बॉडीज डिस्कस की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।